नमस्कार दोस्तों, लोक सेवा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपका सर स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले कि कम से कम प्राइस में जो अफोर्डेबल होने वाला है वो कैमरा आपके लिए मैं यहाँ पर उसके फीचर्स स्पेसिफिकेशन और जो उसकी क्वालिटी है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हमारे साथ है अमोल वाघ सर है, तो इसका जो फीचर्स स्पेसिफिकेशन सर बताने वाले हैं। हेलो दोस्तों, यह है कैनन 1300D कैमरा, बेसिक एंट्री लेवल कैमरा है। इसके साथ जो कंपनी की तरफ से इसके साथ जो लेंस आती है 18-55 लेंस आती है, और ये कैमरा जो है 18 मेगापिक्सल है, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। मैनुअल मोड है, एवी मोड है बोले तो एपर्चर मोड, प्रायोरिटी, टीवी मोड, इसके बाद शटर स्पीड प्रायोरिटी, प्रोग्राम मोड, ऐटो मोड, ऑफ फ्लैश मोड भी ऑप्शन है, उसके बाद ऐटो मोड भी ऑप्शन है इसमें, उसके बाद पोर्ट्रेट मोड, लैंडस्केप मोड और माइक्रो मोड भी है इसमें। माइक्रो मोड बोले तो माइक्रो मोड नहीं है इसमें, क्लोजअप मोड भी है और स्पोर्ट मोड भी है। उसके बाद आपके पास फूड ऑप्शन के लिए भी फूड, जैसे कि आप फूड्स की वगैरह फ़ोटो निकालने चाहते हो, खाने के वगैरह फ़ोटो, तो उसका भी एक ऑप्शन दिया गया है। और एक है नाइट फोटोग्राफी और एक वीडियो का ऑप्शन भी इसमें दिया गया है। बोले तो बहुत बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, कम से कम 10 से 12 ऑप्शन कैमरा में दिए गए हैं। और तो, ये हाँ बोलिए। तो मेरा एक क्वेश्चन था, तो इसमें 4K रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, 4K रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप इसमें, 1080 HD रिकॉर्डिंग कर सकते हो। हाँ, और वो भी मैन्युअली आपको करनी पड़ेगी। इसमें जो ऑप्शन है कैमरे में कि ऑटो फोकस ऑप्शन नहीं है वीडियो के लिए, तो कर सकते हो आप फोकसिंग करके, पर वो इतना सहज नहीं है। तो इसमें फोटोग्राफी बहुत बेहतरीन होगी। वीडियो के लिए सो है कि वीडियो आप थोड़ा बहुत इस पर कर सकते हो। तो सर लेंस कितनी की है आपने इसकी? इसकी लेंस लगभग देखिए 10 से 12 हज़ार के आसपास लेंस होगी। इसकी जो प्राइस है लगभग 25 से 30 हज़ार के आसपास होनी चाहिए अभी फ़िलहाल के मार्केट के हिसाब से बोले तो, 35 हज़ार तक भी हो सकती है इसकी कीमत। अभी एक मिनट अपन लाइव चेक कर लेते हैं। हाँ, 34 हज़ार तक इसकी कीमत है कैमरे की अभी फ़िलहाल। और फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन कैमरा है, आपके इजी टू हैंडल है और लाइट वेट है। और इसमें जो ऑप्शन है कि आपको एक्स्ट्रा स्पीड लाइट लगाने की इसको ज़रूरत नहीं है। इसमें इनबिल्ट फ्लैश भी आ जाता है जिससे आप अच्छे तरीके से फोटोग्राफी कर सकते हो। यस, तो इस कंफर्टेबल जो प्राइस है उसमें आपने को अफोर्डेबल जो कैमरा है यहाँ पर मिलता है। तो इसमें स्टेबलाइजेशन मोड भी आता है? हाँ, स्टेबलाइजेशन मोड भी है, उसके बाद AF मोड भी है, AF मैनुअल और ऑटो भी कर सकते हो। उसका भी बैकअप कितना होगा सर? इसका लगभग अगर आप विदाउट फ्लैश यूज करें अगर फोटोग्राफी करते हो तो कम से कम 700 से 800 फोटो इसमें निकलते हैं एक बैटरी चार्ज में, और फ्लैश अगर यूज़ करते हो तो करीब 300 से 350 फोटो इसमें निकलेगी। और वीडियो करने के बाद? नहीं, वीडियो करना भी नहीं है क्योंकि वीडियो के लिए बहुत इसमें मेहनत है, वीडियो आसानी से होता नहीं इसमें। मैन फोकसिंग का वगैरह बहुत प्रॉब्लम आता है क्योंकि ये बेसिक एंट्री लेवल कैमरा है, तो इसमें वीडियो का ऑप्शन इतना कुछ खास दिया गया नहीं। तो इस वीडियो में अभी सर ने यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन उसके बताए हुए, तो यहाँ पर हमने आपको कैनन 1300D यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया है। तो अभी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।